ले बेटा ले। हाथ बढ़ा विंदनी, शर्म की कोई बात ना है, ले ले। आपका ना तो मुझसे कोई रिश्ता है, ना मेरी पत्नी से और ना ही मेरे परिवार से। और जिन लोगों से कोई नाता ही ना हो, उन्हें मैं यहां इस खुशी के मौके पर देखना भी नहीं चाहता। तो मेहरबानी करके चले जाइए यहां से। रो छोरा, गेल हो गयो कहीं, दिमाग खराब हो गया थारो? अरे मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? मैंने तो कुछ गलत कहा नहीं है बापू, बताइए ना क्या रिश्ता है हमारा इनके साथ? देख तू मारो मत तो खराब ना कर, चुप हो जा तू। चुप क्यों रहूं बापू? ये जानते हुए भी कि सुगना के परिवार में और दादी साहब के जीवन में इतनी सारी मुसीबतें खड़ी की उन्होंने, अब पता नहीं इनके मन में क्या आया है, आपके साथ भी दोस्ती करके यहाँ आ गए। अरे बस कर छोरे, मुझे नहीं पता कि दादी साहब को लेकर इनके मन में क्या बह रहा है, और मैं जानना भी नहीं चाहता बाप। बस इतना बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं कि ये आदमी किसी के भरोसे के लायक ही नहीं है। तो तमाशो खड़ो ना कर श्यामला, और चुपचाप महावीर साहब से माफी मांग ले, नहीं तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। पहले कौन था मैं? मदन, देख सामू, घर आए मेहमान का निरादर करना भले घर के छोरों को शोभा ना देवे। अरे तन्ने तो महावीर साहब का चरण धो के पीना चाहिए, एहसान मान इनका। इन्होंने ही तन्ने और थारी बिंदनी को घर वापस लाने की बात कही। बहुत समझाया, बच्चों की पसंद ही माँ बाप की पसंद हो गए हैं, आखिर जीवन तो इन दोनों को साथ बिताना है, उन्हीं की खुशी में खुश रहना सीखो। जे बात तुम्हारे दिमाग में आ गई, अर्थारे बापू ने भी हमारा कहना मान लिया। महावीर साह के कहने पे आज तने और थारी बिंदनी को मदन पूरी इज्जत से इस घर में लेके आया। और तू है कि उन्हें का अपमान करें? जाकर माफी मांग ले। मैंने कोई गलती नहीं किया था उसे, और इसीलिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। देख ले थारे छोरे रा करतूत, घर आए मेहमानों से बात करने की तमीज नहीं है इसको। चारों पैर गीत गाती थी ना अपने छोरे के गाले। मां पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है बापू। अरे बस भी करो, आज खुशी के दिन कहीं बखेड़ा करो। तू ही गीत गाती थी इसके, तू ही गीत गाती थी। मारा छोरे और उसके बिंदनी को लाओ, ले लेर आगे ले। अपने माथे में बिठा के लाया था, कहीं थी बदले में? अरे थारे छोरे को अपने बाप की पगड़ी उछालने में मजा आता है, आत्मा शांत हो जावे अपने जन्मदाताओं का अपमान करके। रो बापू, मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस इंसान को मैं यहाँ अपने घर में नहीं देख सकता।
क्योंकि ये ना तो इस परिवार का दोस्त है और ना ही भला चाहने वाला। हाँ, भला चाहने वाला तो तू पैदा हो क्यों नहीं भाई, पक्का है थारा। एक तू ही है बस समझदार इस दुनिया में, बाकी सब मूर्ख ही है। पर तू भी सुन ले अपने बाप की बात, जब तूने महावीर साथ माफी नहीं मांगी ना तो इस घर में कोई रस्म नहीं होगी। सुन ले कान खोल के तू। और क्या दूंगा सबसे, जो रस्म होनी थी हो गई, सब नाटक हो गया, अब जाओ अपने अपने घर है। सही रहने दे, रहने दे, अच्छा नहीं लगता। अरे पता नहीं कितने इंतजार के बाद सारे घर में ये घड़ी आई है। सम्मू अपना दिमाग ठंडा रखो और ये रस्म पूरी हो जाने दो। थारा छोरा वापस आ गया, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। जवान खून है इसका, इसकी अपनी सोच है, पर कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। और माने इसकी बात का बिल्कुल जरा बुरा नहीं मानना। अरे फड़ भाई जी, ओ अरे बात को समझा कर, हम पहले अपना दिमाग ठंडा करो है? अपनी बींदनी की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाने दो। अच्छा भाई रामचरण, अरे भाई जी ये नाराज और कटे जाओ आप, बिना कुछ खाया पिया या तो थोड़ी कोई। ना भाई ना मदन सिंह, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। श्याम बच्चा है, मने इससे कोई शिकायत नहीं है। भाई ये इतने दिन कल्याणी देवी की छत्र छाया में रह के आया है, जैसी संगत वैसी सीख, जो वो सिखाएगी वही तो सीखेगा। कोई बात नहीं है, अपना काम चालू रखो। नमस्ते भाई। नमस्ते। मिल गई थारे काल देने ठंडक, होगी थारी आत्मा शांत अपने बाप की नाक हटा के। अब नाच घुमर गाल, एक इज्जतदार आदमी को बेइज्जती करके निकाला हमारे घर से, मुड़ के हमारे घर को देखने वाला नहीं है। तने कारी चिंता है, कारी चिंता है तने, तू तो है। मदन ना, कितना गुस्सा ठीक ना है, रहने दे। महावीर सा की चिंता तुम्हारे पर छोड़ते हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। इस वक्त घर पे मेहमान है, खुशी का मौका है, रंग में भंग तो पड़ ही गया पर बींदनी के स्वागत में कोई कमी ना होनी चाहिए। अरे भाई जो भी रसम वसम है पूरी तो करो। ढोल बजाओ, नाच गाना शुरू करो, खुशियां मनाओ। करनी है ना, आओ आओ काकी साहब, आप भी आओ।
अरे अब किस बात पे आंसू बहावे तू सुमित्रा? इसी दिन की तो राह देख रहे थे ना हम सब। छोरी को उसके सासरे वाले राजी खुशी घर ले गए। थारी मारी सुगुना के बापू की सबकी आस पूरी हो गई, फिर कहीं जे फोटो लेकर आंसू बहावे तू? देखिए बस कैसे फोटो में भी अपने बापू का हाथ तो बिगड़ी है सुगुना। और आज उनकी बिना ही विदा हो गई इस घर से, अपने माँ बापू को अकेला छोड़ गए। भैरों का इस वक्त जाना होना मने भी अच्छा ना लगा, पर क्या कर सके सुमित्रा, वही होवे ना जो राम जी चाहे ना। रही बात माँ बापू को अकेला छोड़ के जाने की, तो हर औरत के नसीब में जेई लिखो है, जन्म एक आंगन में जीवन दूजे आंगन में, जेई रीत है, जेई सारे माँ बापू भुगते हैं। पहले तो छोरी को सही ढंग से पालने पोसने की चिंता, फिर उसके पराए घर चले जाने की पीर, पर जे पीर उस पीर से बड़ी ना हो वे सुमित्रा, जो जवान छोरी को उम्र भर घर बिठा के देखने से हो गए। सुगुना को सासरे में अपनी जगह मिल गई, अपनी नई जिंदगी बसाने चली गई हो, तू ईश्वर से यही प्रार्थना कर कि छोरी की झोली सदा खुशियों से भरी रहे। और जे आंसुड़े बहा के अब सकुन ना कर सुमित्रा, चल अपना काल जा कड़ा कर, चल और सुगना, देख ये है थारा और श्याम का कमरा। इससे पहले भी सजाया था मैंने इसे अपने हाथों से जब अपने बेटे की बारात लेके गई थी, पर अब की बार उससे भी सुंदर सजाया है। अब अपने मुंह से क्या कहूं, तू ही देख के बता सुंदर है कि ना है। हाँ आ जा। सुंदर है, बात सिर्फ इस कमरे की ना है सुगना, आज से इस घर को अपना समझना, कोई संकोच न करना मारे से, जैसे अपने मायके में अपनी सारी बात माँ से किया करती थी वैसे ही मारे संग बांट लेना, समझी? अरे मैंने मना किया था ना थारे को मंदिर में कि ऐसी हालत में झुकते करते ना है, आपने सच में बहुत उपकार किया है मुझ पर, जो मुझे माफ करके स्वीकार कर लिया और यहां ले आई। मैं यहां आकर आप सबकी सेवा करना चाहती थी। अरे ना रे, मैंने तारे ऊपर कोई उपकार ना किया है, उपकार तो देवी माँ ने किया है मारे ऊपर जो थारी जैसी बिंदी मिली मारे को। अब सोचूं तो लागे है कि थारी जैसी घरवाली चाह के भी ना ढूंढ पाती मैं अपने शाम के लिए। हाँ
हाँ बैठ। अब थोड़ा आराम कर ले, मैं जाके थारे वास्ते खाना भिजवाती हूँ। हाँ नहीं, एक बार श्याम, मेरा मतलब है एक बार ये आ जाए उसके बाद मैं खा लूंगी। श्याम अपने मेहमानों को छोड़ने बस अड्डे तक गया है, लौटते ही तुम दोनों का खाना भिजवाती हो, ठीक है? पर तू आंख बंद करके थोड़ी देर लेट जाना, ऐसी हालत में थकान हो जावे है, समझी? आनंदी के बापू, सोना ना, बस अभी खाना परोसो। सोना रहा भागो, बड़े दिनों बाद आज पैर का दर्द कुछ कम हुआ है। ऑपरेशन हो गया ना आनंदी के बापू? आराम तो मिलना ही है, माता रानी की कृपा रही, वक्त रहते इलाज हो गया। डॉक्टर साहब भी बहुत ही भले आदमी है, इतनी अच्छी दवा दी है कि बस थोड़े ही दिन में एकदम ठीक हो जाओगे आप। इलाड़ो बापू की दवा ला, चल चलो गरम गरम खिचड़ी खा लो आनंदी के बापू, फिर दवा भी खानी है ना, पानी ले जा लाड़ो, गरम है ना। सुनो, हुकुम ने तुमको बुलाया। हाँ, अभी हूँ मैं। भागो, हाँ? मैं भी थारे साथ जाऊँ। ना आप खाना खा लो ना, मैं हुकुम से मिलाऊँ, इतनी मदद की उन्होंने, हाथ जोड़ के धन्यवाद बोला हूँ। हाँ? मैं भी चल रही हूँ माँ। चल लड़ो, चल। से ठीक से उगाना है छोरा, पर हिम्मत देखो, सारी दुनिया के सामने महावीर सिंह, अगर मारे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा होता तो आज वहीं का वहीं सबक सिखा के चल। हुकुम आपने बुलाया? हाँ, वो भाई मैं ये पूछ रहा था कि थारे मर्द की तबीयत कैसी है अब? आपकी कृपा से अब ठीक है हुकुम। हुकुम, कर्जा तो उतर जाएगा, लेकिन आपने जो उपकार किया है उस उपकार का कोई मोल ना है, 7 जन्म तक भी ना उतार सकूंगी। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे। ना भाई ना, माने कोई उपकार उपकार ना करा है, इंसानियत भी तो कोई चीज हो है कि नहीं है। यू बता कि सारी बात जानने के बाद भी थारे मर्द को अपाहिज बनने को छोड़ देता मैं? हुकुम, मारे परिवार के लिए तो आप देवता से कम ना हो। रे मारे को तो आदमी बना रहने दे तू, देवता शेवता ना कह मारे को। भाई बड़ा जमींदार हूं तो के हो गया, दूसरों का दुख देख के मारा मन भी वैसे ही रोवे है। थारे समधियों की तरह पत्थर ना भर रखे मने अपने कालजे में, जो जान दे अब उनके बारे में की कहना है। के बात हो गई हुकुम?
अरे बात क्यों नहीं है, वैसे तो दो परिवारों का नाता जोड़ने वाला भी वही और सबका अलग अलग नसीब लिखने वाला भी वही। अब यो नसीब की बात है ना कि कल्याणी देवी की हवेली में सारे मिलके आज खुशियां मना रहे हैं और तुम दोनों मुसीबत के दिन काट रहे हो यहां। कल्याणी देवी की पुत्री सुगणा की विदाई हो गई आज। क्या सुगणा जी की विदाई हो गई? मतलब श्याम भाई जी के माँ बापू मान गए? ये तो कितनी अच्छी बात है ना माँ। मासूम बालमन अहम और दुश्मनी जैसी नकारात्मक भावनाओं से परे होता है, इसलिए उसकी प्रतिक्रियाएं सहज और स्वाभाविक होती हैं।